कोटा पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर लूट और डकैती की योजना बनाने वाले चार बदमाशों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इनसे अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। गुमानपुरा थाने के सीआई मनोज सिकरवार और मकबरा थाने के सीआई देवेश भारद्वाज ने ये संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें डीसीएम रोड के पेट्रोल पंप पर डकैती करने की योजना बनाते हुए साजीदेढ़ा के रहने वाले अमन अलील उर्फ बच्चा, चंद्रघटा के शाहनवाज, भीमगंज मंडी के कुशाल और घंटाघर के सकलेन मुस्ताक को धरा गया है। इनके पास से दो देशी कट्टे, चार जिंदा कारतूस, चाकू, मिर्च पाउडर और एक स्कूटी भी जब्त की गई। इस कार्रवाई में पाटनपोल का बदमाश सोनू उर्फ वकार मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ शहर के कई थानों में पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पांच बदमाश इकट्ठे थे जो कोई प्लानिंग कर रहे थे, जिस पर देवेश भारद्वाज जी, एसएचओ मकबरा और हमारी टीम ने दबिश दी, जहां से एक बदमाश भग गया लेकिन चार बदमाशों को दबोच लिया गया। वो सभी डीसीएम रोड स्थित पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे, जिनसे हमने दो देसी कट्टे, चार कारतूस, एक चाकू और मिर्ची पाउडर और एक स्कूटी बरामद की है। ये सभी सातिर बदमाश हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और पहले भी फायरिंग में, अवैध हथियार रखने में, हत्या के प्रयास वगैरह में जेल जा चुके हैं। तो इन चार को गिरफ्तार किया है, एक की तलाश जारी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।